मासूम सी बच्ची थी, सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और वो वहाँ पर मिली थी इस परिवार को और ये परिवार उस बच्ची को अपने घर लेकर आया था। कल भी हम आए थे और इस परिवार से बातचीत किए थे, इस बच्ची को भी देखे थे और तमाम सारी बातचीत थी जो कि पुलिस प्रशासन की बातचीत भी थी कि पुलिस प्रशासन आएगी, आगे की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे ये रखना चाह रहे हैं तो कैसे रख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें नहीं हो पाई थी कल। और इस बच्ची के पैर में भी चोट लगी थी, पैर ऐसा लग रहा था कि पैर पूरा टूटा हुआ है। तो हमने इनसे कल कहा भी था कि आप लोग पहले ट्रीटमेंट भी करवाइएगा, तो क्या कुछ हुआ उस पर भी हम थोड़ा सा बातचीत इन लोगों से करते हैं। आज कल का वीडियो आप लोग देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आपको वो कल की वीडियो मिलेगी जब वो बच्ची इनको मिली थी। भैया ये बताइए, आपसे कल जब हमारी बातचीत हुई थी तो आप कह रहे थे हमने पुलिस को सूचना दी थी, तो क्या पुलिस आई थी यहाँ पर? नहीं आई थी। हाँ, पुलिस नहीं आई थी। हुई पुलिस से? पुलिस से कोई बातचीत नहीं, प्रधान जी आए थे, वही साइन वाइन करा के लेके गए हैं, कहते थे तुम पालो इनको। अच्छा, हाँ। कहाँ से यानी पुलिस प्रशासन से भी कुछ आपको सूचना है कि आप बच्चे को रख सकते हैं? प्रधान जी कहते हैं पुलिस प्रशासन नहीं आएगी, हमसे बात की है, हम साइन करवा रहे हैं, पुलिस के पास पहुंचा देंगे कागज। हाँ जी, यानी जो पुलिस प्रशासन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। हाँ, वो पूरी हो चुकी है। चलिए, बच्चे के पैर भी हम लोग कल देखे थे तो पैर एकदम ऐसे टूटा हुआ था, तो पैर में क्या हुआ? उसके बाद हम जाकर प्लास्टर करवाए हैं इसको, डॉक्टर बोले ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल जब हम लोग देखे थे तो एक पैर में दिक्कत थी, एक पैर ऐसे पूरा मुड़ जा रहा था। दोनों पैर मुड़ रहा था, एक कम मुड़ रहा था, एक ज्यादा मुड़ रहा था। हाँ। क्या बताया डॉक्टर ने, एक्सरे वगैरह भी किया? नहीं, एक्सरे तो नहीं किया, कहते हैं बस एक घुटना जो है, घुटने वाली बगल चली गई है, ये सही हो जाएगी, उसने बैठा के प्लास्टर कर दिए हैं। अच्छा, ऐसा कुछ बताया डॉक्टर कि किस वजह से ऐसा हो सकता है? नहीं, तोड़ा गया है या पटक दिया गया है या फिर डिलीवरी के दौरान, पैदा होने के दौरान ऐसा कुछ दिक्कत हुआ? नहीं, ये सब तो नहीं बताए ना हम पूछे, क्योंकि गांव के डॉक्टर थे, हम यही उनसे बोले किसी तरह ये ठीक हो जाए, इनकी परवरिश हम करेंगे, ये ठीक हो जाए बस। कब तक प्लास्टर लगा कर रखेंगे, क्या कुछ बताएं डॉक्टर? ये कहते हैं 15 दिन तक। 15 दिन तक बोले हैं कि डॉक्टर साहब 15 दिन में ठीक हो जाएगी बच्ची? हाँ, बोल रहे थे कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा, तो ठीक है, नहीं तो इसको 15 दिन में फिर काट के दूसरा प्लास्टर लगेगा। हाँ, तब जाकर ठीक होगा। एक्सरे वगैरह नहीं किए? हाँ, जब लगा रहे तो उकर रहे थे ना, तब देखे तो कि इसकी जो हड्डी थी आगे आ गया, तब फिर इसको बैठा के फिर ले जाकर पीछे किए, फिर ला के आगे किए, तब इस पे बैठाए, तब जाकर प्लास्टर लगा। जो पैर पूरे मुड़ जा रहा था, जो घुटना होता है वो बगल चला जा रहा है, जब घुटना करके लगा दी। हाँ, जब घुटना ला के इस पे बैठाए तब पैर ऊपर नहीं आ रहा था, तब जाकर प्लास्टर लगाए। अच्छा, सीधा करके वैसे लगा दिए। अच्छा, देखिए बच्ची रो भी रही है और कल जब हम लोग पैर को थोड़ा सा ऐसे उठा रहे थे तो दर्द भी हो रहा था इस बच्ची को, और फिर दर्द से ये भी बच्ची उस समय भी रो रही थी। और देखिए इसका जो अभी तो दूध वगैरह भी सिर्फ पी रही होगी? हाँ, पी रही है दूध, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रोता तो हम लोग देख रहे हैं, मुस्कुराती भी है? हाँ, मुस्कुराती भी है। अच्छा, एक चीज और भी हम सुने थे कि कल शायद कोई आया था आप लोगों से बच्चा जबरदस्ती लेकर जाना चाह रहा था। हाँ, हमारे गांव के थे, वो जबरदस्ती लेकर जा रहे थे, फिर हम लोग उनसे कहे, सब लोग विनती किए, वो दे दिए फिर। हाँ, और भी लोग क्या उनके अलावा और भी लोग आप लोगों से बच्चे मांग रहे थे? उनके सिवाय और भी लोग मांग रहे थे। हाँ, कहते हमारे बच्चे नहीं, हमको दे दो, लेकिन अब हम पाए इनको, इनकी परवरिश हम ही करेंगे अब। हाँ जी, यानी ऐसा लग रहा है कि बच्चा अब आपका इतना मोह हो चुका है इस बच्चे से। बच्चे हमारे हैं। चलिए, जश्न का भी माहौल था कल शाम को यहाँ पर, पूरे गांव में मिठाई बंटी थी और पीछे आप देखिए कि डीजे का भी सामान रखा हुआ है, पूरा जश्न मनाया गया कल शाम को। हमने फ़ोन भी किया था तो पता लगा कि ये लोग जश्न मना रहे हैं, डीजे पर लोग डांस भी कर रहे थे यहाँ पर और पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तो पूरे तरीके से जश्न का माहौल था। लेकिन एक तरफ देखिए ना, तो इनके कोख से ये पैदा हुई बच्ची है, इनको इस किसी स्थिति में मिल गई थी बस, लेकिन फिर भी इनको इतना मोहब्बत हो गया, इतना प्यार हो गया इस बच्ची से, कब ये लोग इतना खुशी मना रहे थे कि हमारे घर में बच्ची मिल गई। आप नानी हैं इनकी? हाँ भाई। कब आई आप? अब आई के सुने आधा घंटा हो तब आए हम, मैं सागन से आवत थी। हाँ, सागन से आवत थी, सुने कि लड़कियाँ पाए हैं, हम भागत भागत चली आए, तब हम खुशी बाय अपन जी आई हैं, पाली हैं, 3 बच्चा हो गए ना, और का चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा भी राय दिए होंगे कि दो बच्चे पहले उनको पालो पोसो, एक ठोर पाल। अरे भैया तू हूँ बाटा, अरे कपड़ा थोड़ी ना है कि उन्हें नवा नवा बढ़िया बढ़िया ना पहरा पे, अरे तीनों खइयाँ जी हैं, पढ़ियाँ लिखी हैं, उनके कमाई में हुई जो तो उन करिए,
तब का जिया पाल देंगे बिया गौना कह देंगे पढ़ाई लिखाई के। अब उन लोगों ने आपके पास भी पोती होती होंगी नतनी उतनी बेटो सब सबको पैदा किए हैं आप सब आपके सामने बच्चे पैदा हुए तो क्या माँ की ममता इतनी ऐसी होती है कि ऐसे कोख से बच्चा पैदा हुआ ऐसे फेंक दो? भैया क्यों तना फेंका दुनिया में क्यों ना फेंकी अब ना मांगे पे दे। अब वो भैया कैसे कैसे वो फेंकेंगे नौकर मजबूरी वो नहीं जानी है कि कौन मजबूरी रहा। अब वो का भगवान है जानी है बताई है उन्हें उनके कर्म में लिखी है। अच्छा सुनने में ये भी आता है कि जब परिवार में कई बेटियां पैदा हो जाती है लोगों को देखते परिवार के लोग ही प्रताड़ित करते हैं उस बहू को कि तुम सारी लड़कियां पैदा करो लेकिन उसके बस में तो होता नहीं है नहीं। लेकिन ऐसी भी चीजें होती है कि जब कई लड़कियां पैदा हो जाती है तो लड़की लोग ऐसे फेंक देते हैं घर वाले भरे विदेन कह दे बाकी मतारी जब पैदा करे रही वो कभो जिंदगी में ना दे के हो के और न फेंकी। हाँ चाहे 10 लड़की रहे क्या कहेंगे उस माँ को जिस माँ ने ऐसा करके वहाँ छोड़ दिया बताइए। वो तो इनको मिल गया शायद रोड के किनारे पड़ा था अभी कुत्ता पहुँच जाता सियार पहुँच जाता कोई जंगली जानवर पहुँच जाता तो वो तो फिर भगवान जाने क्या होता उसके साथ। भगवान लिखे रहे इनके अंसवा में कि तू चला कहियो ना कुल्ला करे जात रहे वारे चला कुल्ला करे तुम्हारे घरे लक्ष्मी आवत है। हाँ कभी नहीं जा रहे थे उधर भाई थोड़ा सा खड़े हो जाइए कभी नहीं उधर जा रहे नहीं हम उधर कभी नहीं जा रहे थे दिन में गाड़ी है अपने पास वही गाड़ी से जा रहे थे। हाँ। वो भी दोपहर के समय यानी दिन में 9-10 बजे के बाद। और कल जो है सुबह में दो लोग हमको मिल गए एक चाचा लगते हैं एक भाई लगता है दोनों कहने लगे तुम चलो जबरदस्ती हमको लेके गए गए तो वहाँ बच्चा देखे पा गए उठा ले आए यानी आपके घर में लक्ष्मी आनी थी। हाँ लक्ष्मी आनी थी। हाँ ये वैसे नहीं जाते। हाँ रोज सुबह हम चाय पीते हैं 4-4:30 बजे लेकिन कभी नहीं गए चाय पीते वहाँ आधा एक घंटा रहते घर आते हैं करीबन 10 बजे के बाद ही जाते थे लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ वो लोग जबरदस्ती हमको ले गए। हाँ जी चलिए ये चीजें होनी थी। हाँ लोग कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम कभी नहीं जाते थे वहाँ जहाँ पर बच्ची मिली है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे ये कभी नहीं जाते थे लेकिन देखिए उस दिन का संजोग देखिए कि ये वहाँ पहुँचते हैं और फिर बच्ची इन्हें वहाँ मिलती है। डंडा से आप हटा रहे थे वीडियो में आप ही हटा रहे थे। हाँ हम ही हटा रहे हैं डंडे से। मैं तो यही सोचा मिट्टी है इसको हटा कर देखें उसके बाद सब कुछ चर्चा करें ले आकर इसकी मिट्टी दे दे यही सोच के हटा रहे थे लेकिन ये जिंदा थी इसलिए हम उठा ले आए। आपने ये सोचा कि शायद हाँ, हाँ यही सोच के हम उठाए थे कि क्या पता है इसलिए खोल रहे थे डंडे से। हाँ जी रो नहीं रही थी बिल्कुल नहीं रो रहे थे एकदम शुद्ध मुद्ध पड़ी थी एक मरी हुई एक तरह। हाँ चलिए लेकिन इसको जीना था और इस परिवार में जीना था। इस बच्ची को देखिए दूध दूध बड़े मन से पी रहे ये लोग जब से लेकर आए हैं पूरे सेवा सत्कार में लगे हुए हैं। कल से ही भैया सब जो चीज़ें बच्चों को लोग सेवा सत्कार करते हैं तेल काजल सब कुछ लगा के ये लोग कल से ही जब से ये बच्ची मिली है तब से एकदम जैसे अपने बच्चों को लोग करते हैं उसी तरीके से इसमें अब गैर का कोई मतलब ही नहीं रह गया है अब ये अपना ही बच्चा हो गया इनका। और अब ये लोग इसको पालेंगे कोई अगर लेने आए लोग हमने सुना कि कल पैसे भी देकर आपसे बच्चे बहुत लोग आए थे लेकिन हम नहीं देंगे अब इनको। हाँ जो इनके नसीब में रहेगा हम ही इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे जहाँ तक अपने बल पड़ेगा वहाँ तक करेंगे इनके लिए। हाँ जी बहुत लोग हमारे वीडियो में भी जब हमने खबर की तो लोग कमेंट कर रहे थे कि ये बच्चा हमको मिल जाता तो हमारे पास बच्चे नहीं है हम भी बच्चे वाले हो जाते। नहीं तो जी हम इनको नहीं देंगे क्योंकि ये हम पाए हुए हैं किसी तरह लक्ष्मी माँ हमारे द्वार आई हैं इनको हम अपने हिसाब से ही पालेंगे। हाँ कोई सौदा करना चाहे तो वो आप बिल्कुल नहीं ये कोई कीमत कितना भी दे ये कहीं नहीं जाएगी अब यहीं रहेगी। हाँ जी चलिए इस बिटिया को यही इस परिवार में ही जीना है और नहीं तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कभी नहीं जाते थे और उस दिन ये जाते हैं और ये बच्ची इन्हें वहाँ पर मिलती है और ये जब मिलती है तो ये भी समझते हैं कि शायद ये बच्ची है नहीं लेकिन ये बच्ची जीवित रहती है और ये अपने परिवार के बीच ले आते हैं। फिर देखिए कि कल से अब बच्ची यहीं पर है और जो भी प्रक्रिया थी पुलिस प्रशासन की वो भी सारी चीज़ें हो चुकी है और अब ये बच्ची अब इसी परिवार के बीच में रहेगी।